रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब जिला उपायुक्त के दिशा निर्देश पर उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से लिंग जांच करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को जांच मशीन और कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। यह लोग चलती हुई कार में लिंग जांच का कुकृत्य किया करते थे और सभी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को गाजियाबाद के कुछ लोगों पर कार्रवाई करने निर्देश दिए गए जो लिंग जांच का जिले में काम कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए फर्जी ग्राहक बनाकर उक्त टीम को धारवेड़ा बुलाया गया और फिर 1,00,000 रुपए के लालच में यह सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे पुलिस ने लिंग जांच करने वाली पोर्टेबल मशीन और साथ ही वह कार भी बरामद कर ली जिससे वह जांच किया करते थे। इनके पास से 36,000 रुपए भी मिले हैं। मुख्य आरोपी बिचौलियों के माध्यम से इस कुकृत्य को अंजाम देता था। बहरहाल इनके खिलाफ PNDD एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर क्या कुछ मामला चल रहा है? कल रविवार के दिन 27 सितंबर को एक DC रेवाड़ी साहब की तरफ से एक टीम बनाई गई हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस विभाग की तरफ से और उसमें एक मूवेबल जो कि पोर्टेबल मशीन के साथ जो कि गर्भ निर्धारण का टेस्ट करते हैं उसको उन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त रेड की गई जिसमें धारवाड़ा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक गाड़ी को आरोपियों समेत काबू किया गया जिसमें एक आरोपी बलवान सिंह निवासी गाजियाबाद और एक रामफल जो कि एक मीडिएटर है जो ग्राहक को समझवाता है तो उनको काबू किया गया जो कि पैसे लेके और गर्भ निर्धारण का कार्य करते हैं तो इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सर रेड मारने के लिए क्या कुछ किया गया सर इन्हें पकड़ने के लिए? इसमें जाल बिछाया गया इसमें एक डिकॉय हमारी तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक प्लॉट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने इस जाल बिछा के और इन आरोपी को काबू किया है। तो सर कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं सर? अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसमें जांच में ये सब पता चल पाएगा कहाँ कहाँ से ये मशीन प्राप्त करते हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने गर्भ निर्धारण के टेस्ट किए। क्या क्या रिकवरी की गई है? अभी इनसे एक पोर्टेबल मशीन और 36,000 रुपीज़